तो दोस्तों हाजिर हूँ एक नई योजना के साथ, एक नए अपडेट के साथ। आपको बताएंगे कि आपदा राहत योजना के तहत आपको अमाउंट कितना मिलेगा, आपके खाते में कितना पैसा आएगा, आपको इसके लिए आवेदन कहाँ करना होगा। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एक योजना दिया है आपदा राहत सहायता योजना, सरकार आपको दे रही है 1,000 रुपये मंथली। आवेदन कैसे करें, लॉकडाउन से पहले आप बनवा लें कार्ड। तो चलिए दोस्तों आगे ऑप्शन क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब हमारे देश में कोरोना के कारण बड़ी बड़ी कारखाने फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी, तो उस समय मजदूर बड़े बड़े शहरों से अपने घर के लिए पलायन हो रहे थे। कुछ मजदूर तो पैदल ही चल पड़े अपने घर के लिए, कुछ तो साइकिल लेकर निकल पड़े। लेकिन जब इस तरह की कोई क्षति बड़ी मात्रा में होती है और अधिक मात्रा में लोगों को भुखमरी के शिकार होने लगे, तो उस समय देश में आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और कुछ ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं कि लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके। तो दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई योजना के साथ। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस योजना का नाम क्या है, आपको लाभ कैसे मिलेगा, आपको आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों योजना का नाम है आपदा राहत सहायता योजना। तो चलिए आपको बताते हैं इस योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन है अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक, यानी आपके पास पहले से ही श्रमिक विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये योजना कब बनाई गई थी, किसके तहत आएगी, दोस्तों कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई योजना है, यानी जब आपका लॉकडाउन लगा था तभी ये योजना लागू की गई थी। चलिए इसके लिए जरूरी दस्तावेज की जरूरत क्या है। पहला है पूर्णतः पेपरलेस स्कीम, यानी अगर आपके पास श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको कहीं से ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक पैसा आपके खाते में आ जाए। कोई आवेदन पत्र वांछित नहीं, आपको कोई अलग से आवेदन नहीं करना है। देखिए तीसरा ऑप्शन है डाटाबेस में आधार संख्या तथा बैंक खाते का विवरण उपलब्ध होना, जब आप श्रम कार्ड बनवाएं तो उस समय अपना आधार कार्ड नंबर और अपने बैंक का विवरण जरूर दें। तो देखिए आपको जो अमाउंट मिलेगी किस योजना के तहत कितने टाइम में मिलेगी। दोस्तों ऑप्शन है अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 1 मुश्त रुपया 1,000 की धनराशि वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक के रूप में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार बोर्ड द्वारा विहित किया जाएगा। आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खाते में दोगे, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो अमाउंट यानी जो समय निर्धारित की जाएगी उसी हिसाब से आपको लाभ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानिए इसके लिए डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, दूसरा आपके पास फोटो होना अनिवार्य है, तीसरा बैंक का अकाउंट का होना अनिवार्य है, चौथा मोबाइल नंबर और पाँचवा है नियोजन प्रमाण पत्र की कॉपी। नियोजन प्रमाण पत्र की कॉपी आपको कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मिल जाएगी, आप फॉर्म वहाँ से लेके अप्लाई कर सकते हैं। और छठवा है दोस्तों स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, आपको अपना स्व प्रमाणित घोषणा पत्र बनना होगा, वो भी CSE पे मिल जाएगी। और लास्ट वाला है परिवार के अन्य सदस्यों का आधार कार्ड की कॉपी। अब आपको ऑनलाइन कराना कहाँ पर है, आपका कार्ड कैसे बनेगा आगे जानते हैं। दोस्तों पूरा दस्तावेज लेकर आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना है। आपको ऊपर जो बताए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर आपके नज़दीक अपने कॉमन सर्विस सेंटर या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर या किसी साइबर कैफे के माध्यम से अथवा अपने ज़िले में स्थित श्रम विभाग के ऑफिस में जाकर आप श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको एक श्रम कार्ड मिलेगा, श्रम कार्ड आपके ग्राम के प्रधान द्वारा या किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप निकलवा सकते हैं या डाउनलोड करा सकते हैं। श्रम कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको अपने पास सुरक्षित करके रख लेने। श्रम कार्ड के एक ही नहीं अनेक फायदे हैं, हमने अगली जब पोस्ट आपके सामने डाली थी उसमें सारी डिटेल दे रखा हूँ, आप वो डिटेल्स पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी भी आपके मन में शंका होगी मुझे आपदा राहत योजना का लाभ कब मिलेगा, आपने कार्ड भी बनवा लिया, सब कुछ आपके पास मौजूद होगा, लेकिन आपके मन में शंका है कि मुझे जब आपदा योजना का लाभ कब मिलेगा, किस समय मिलेगा। तो चलिए तो आगे जानते हैं। अगर भविष्य में फिर से लॉकडाउन लगती है या ऐसी बिकट परिस्थिति आती है तो अगर आपके पास श्रम कार्ड है तो आपके अकाउंट में 6 मासिक, मंथली या वार्षिक तौर पे आपके खाते में 1,000 रुपये आता रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो आपका पार्ट है कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।